मेरी प्यारी ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज का हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नए क्रिएटर्स के, जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो रिसेंट का एक हफ्ता है, एक या दो हफ्ते रहे हैं, उसमें किस तरह के चेंजेस आए हैं और क्या क्या नए क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। सो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है नए क्रिएटर्स के लिए, और वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपनी कंडीशंस को। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, आपको रिसेंटली मैं 2 हफ्ते का जो मेरा अपडेट रहा है यूट्यूब चैनल का, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने जो रिसेंटली 2 हफ्ते से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके ऊपर 100 से अबव भी वीडियोस पे व्यूज नहीं जा रहे हैं। अगर मैं किसी को पर्सनल शेयरिंग कर रहा हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तब इसके ऊपर ज्यादा व्यूज जा रहे हैं। अदरवाइज इसके व्यूज 60-70 के आसपास ही लिमिट हो जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 2700 से ज्यादा हैं। और एक चीज जो मैंने देखी है कि मुझे लगा कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था डिप्रेस्ड के ऊपर कि यार डिप्रेस हो चुके हैं, कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, फिर भी व्यूज कम आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे जो नए क्रिएटर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे मैसेज किया यार कि हमारे साथ भी सेम ऐसा हो रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं लेकिन हमें व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। और एक चीज बात तो हम मान लेते हैं कि नया कंटेंट है, नए बंदे हैं, तब ऐसी चीज होना पॉसिबल है कि आपके सब्सक्राइबर्स ही नहीं, फिर आपको व्यूज नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये होती है कि सब्सक्राइबर अच्छे हैं लेकिन कंटेंट सही नहीं बना रहे, ये कुछ अलग बना रहे हैं, तब ये चीज पॉसिबल होती है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं। मैंने अपने यूट्यूब स्टूडियो में देखा, वहां पे इंप्रेशन आपको पता लग जाता है कि आपके इस वीडियो के ऊपर कितने टोटल इंप्रेशन आए हैं। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। फाइनली मेरे हर एक वीडियो के ऊपर 1000 से ऊपर भी इंप्रेशन नहीं जा रहे हैं। 2700 तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और आपको बता दूं ये अभी रिसेंटली 3-4 महीने में हुए हैं सब्सक्राइबर्स, तो ये सारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा भी नहीं कि ये सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन नहीं रहते, मीन डेड अकाउंट है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे नए क्रिएटर्स के साथ ये चीज हो रही है, और जिसके सब्सक्राइबर्स नहीं है उनको तो मेरे ख्याल से एक व्यूज भी नहीं आएगा शायद। हाँ, अगर खुद वीडियोस देखेंगे तब एक व्यूज आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि खुद के वीडियोस देखते हैं तो वो व्यूज भी वहां पे काउंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज बाद में हो जाते हैं इस रिगार्डिंग। सभी के साथ ये हो रहा है, तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, अगर यूट्यूब ले रहा है तो बहुत अच्छे से सबकी ले रहा है, जितनी लेनी है ये ले रहा है। और नए क्रिएटर्स पे मुझे लगता है कि ये चीज मुश्किल हो चुकी है, जो एक नया क्रिएटर है उसको काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है यूट्यूब पे ग्रो करना। यूट्यूब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे जितने सब्सक्राइबर्स हैं इंप्रेशन अगर आएंगे तभी व्यूज आएंगे, नॉर्मल सी बात यही है, क्योंकि 2700 सब्सक्राइबर्स हैं तो नॉर्मली 2500-3000 इंप्रेशन तो जाने ही चाहिए, क्योंकि सजेस्टेड वो किसी को वीडियो करेगा नहीं। और रिसेंटली एक दो जो वीडियो डाली उसके ऊपर 100+ भी तभी हुए हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बना दी हैं, तब हो चुका है। तो ये सभी के साथ हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। आप भी कमेंट करके बताओ कि आपका चैनल है और आपको इंप्रेशन वगैरह नहीं आ रहे। आप भी चेक करना अपने यूट्यूब स्टूडियो में कि इतने इंप्रेशन आ रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं और इतने व्यूज वहां से आ रहे हैं। यूट्यूब को ये चीज ठीक करनी चाहिए। नए क्रिएटर्स हैं, ऐसा तो नहीं कि यार जो पहले के क्रिएटर्स हैं उनको ही प्रमोट करना है, जो रिसेंट क्रिएटर्स हैं वो भी चाहते हैं यूट्यूब पे अच्छी चीजें करें, अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपके हाल भी मेरी तरह है, मेरे हाल भी आपकी तरह है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ज्यादा नहीं करना तो वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसको लिंक डाल देना और टाइटल लिख देना जो भी मेरे वीडियो का टाइटल होगा, इससे थोड़ी सी हेल्प मुझे जरूर होगी और आपकी वीडियो भी मैं जरूर देखूंगा। नीचे कमेंट करना। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पेस।